हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा सोनी और मार्वल की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, और बात करूंगा इसकी बैड न्यूज के बारे में जो कि इसकी रिलीजिंग डेट से रिलेटेड है, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा गुस्सा करने वाले हो। सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी गुड न्यूज के बारे में जो कि इसकी ऑफिशियली शूट से रिलेटेड। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी स्पाइडरमैन 3 की नवंबर के महीने से साल 2020 में, और इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी साल 2021 में फरवरी के महीने में। यानी कि इतनी जल्दी शूट स्टार्ट भी हो जाएगा और इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, यानी कि 4 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। पर शूट होने का, जल्दी होने का फायदा क्या, क्योंकि मूवी पहले रिलीज होने वाली थी 16 जुलाई 2021 को, पर अब इसे चेंज कर दिया है। अब ये मूवी रिलीज हो रही है 5 नवंबर 2021 को। जी हाँ, और ये सब हुआ है कोरोना वायरस के चलते, और स्पाइडरमैन की ऑफिशियली रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया और अब ये डिले हो गई है। अब ये जुलाई नहीं, अब ये नवंबर में रिलीज होगी, वो भी 5 तारीख को 2021 में। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है जो कि मार्वल और स्पाइडरमैन के फैंस हैं। बस मैं तो ये चाहता था कि इसे डिले क्यों करा, क्योंकि यार मेरे को जुलाई में इसका काफ़ी ज़्यादा इंतजार था और मेरे को देखना था कि आगे क्या होता। पर अब जो भी होगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रील में आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।